वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी इम्पॉर्टेंट फाइल्स को एक फोल्डर में डालकर कैसे सेव कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाऊंगी। माउस का सेकंड बटन प्रेस करके न्यू ऑप्शन पर जाकर फोल्डर पर क्लिक करूंगी। ये हमारा न्यू फोल्डर बन चुका है। उसके बाद मैं स्टार्ट ऑप्शन पर जाऊंगी। यहाँ पर मुझे लिखना है कैरेक्टर मैप, CHARACTER MAP। आपको दिख रहा है, आपका ऊपर शो हो रहा है करेक्टर मैप सबसे टॉप पर। मैं यहाँ क्लिक करूँगी, यह आपका करेक्टर मैप ओपन हो चुका है। यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक स्क्वायर सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये मेरा ब्लैंक स्क्वायर है। यहाँ पे आपके दो ऑप्शन है, सेलेक्ट एंड कॉपी। सबसे पहले मैं सेलेक्ट को सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मेरा कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, फिर मैं कॉपी करूँगी। यहाँ पर फोल्डर पर सेकंड बटन प्रेस कर रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर मुझे कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करना है। आप देख सकते हो मेरा हो चुका है। उसके बाद मैं फोल्डर पर सेकंड बटन प्रेस करके प्रॉपर्टीज़ पर जाकर यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन शो हो रहे हैं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन कस्टमाइज़ पर क्लिक करूँगी। उसके बाद चेंज आइकन पर जाऊँगी। यहाँ पर मुझे एक ब्लैंक बॉक्स सेलेक्ट करना है। ये रहा मेरा ब्लैंक बॉक्स, मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। आप देख सकते हो मेरा फोल्डर जो है वो हिडन हो चुका है। मुझे ओपन करना है, मैं यहाँ जाकर डबल क्लिक करूँगी। यहाँ पर आप अपने इम्पॉर्टेंट फाइल्स, इम्पॉर्टेंट डाटा, कुछ भी आप यहाँ सेव कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।